पिछले वीडियो में मैंने आपको इक्वेशन का एक सिंपल क्वेश्चन समझाया था, आप उसी के आगे का उसी चैप्टर का करवा रही हूँ, ध्यान से समझो। उसमें 6 क्वेश्चंस है, 3 डिफरेंट है और सेम उसी के और क्वेश्चंस भी है। 3 ब्रैकेट एक्स माइनस 3 इक्वल 5 2x माइनस 1 सॉल्व। ये मैक्स ब्रैकेट में दिया हुआ है तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 इंटू 3 9 इक्वल 5 इंटू 2 10x माइनस 5। अब हम xx राइट हैंड साइड लिख लेंगे, 3x इक्वल के उधर 10x प्लस में है तो इधर आके हमारा हो जाएगा माइनस 10x। अब इधर हमारा माइनस 5 प्लस 9 अगर उधर लेके जाएंगे तो प्लस 9 हो जाएगा। अब 10x में से 3x माइनस करेंगे तो माइनस 7x इक्वल 9 माइनस 5 करेंगे तो माइनस 4। अब हम x इक्वल माइनस 7x इक्वल इट प्लस 9 में से माइनस 5 हम करेंगे माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस 4। अब हम x इक्वल माइनस 4 अपॉन 7 क्योंकि यहाँ पर हमारा माइनस 7 है तो उसको हम इधर लिख लेंगे। अब हमारा x का वैल्यू निकल गया। अब हम नेक्स्ट चेक पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, 3x माइनस 3 इक्वल 5 2x माइनस 1। अब x का वैल्यू हम रखेंगे, बेटा जब भी हम लिखते हैं अगर माइनस के साथ है तो उसे हम ब्रैकेट भी बना के लिखते हैं, माइनस 3 अपॉन 1, 3 को हम अकेले सिंगल नहीं लिख सकते, ठीक है। इधर 5 हुआ 2 इंटू माइनस 4 अपॉन 7 माइनस 1 अपॉन 1। फिर नेक्स्ट वाले लाइन में हम माइनस 4 अपॉन 7 माइनस 3 अपॉन 1 इक्वल 5 माइनस 8, 4 इंटू 2 हमारा क्या हो जाएगा माइनस 8 अपॉन 7 माइनस 1 अपॉन 1 ब्रैकेट क्लोज। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे, 7 आया यहाँ। अब हम नेक्स्ट दोनों 7 हमारा क्या हो जाएगा, 7 से 7 का डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1 माइनस उस 1 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस 4। जब हम यहाँ 1 का 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 7, 7 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ माइनस 21 इक्वल, यहाँ भी हम एलसीएम निकालेंगे 7 का, 7 उस 1 का हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8, फिर माइनस का माइनस 7 का 7 के साथ डिवाइड करेंगे 7 आएगा, उस 1 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया हमारा 7। नेक्स्ट आप लोग को 3 और ये 5 इनके साथ लेते ही जाना है, 3 इंटू, अब माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है लेकिन साइन हम माइनस का लगाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट 5, यहाँ भी हमारा कितना आ गया माइनस माइनस 7 7 40 15 माइनस 15 अपॉन 7। अब नेक्स्ट हम 3 इंटू माइनस 25 अपॉन 7 इक्वल 5 इंटू माइनस 15 अपॉन 7। अब हमारा 15 3 जा माइनस 75 अपॉन 7 इक्वल 15 5 जा 75 अपॉन 7 माइनस लगेगा, हमारा क्या हो गया राइट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट हैंड साइड, हमारा आंसर सेम आया, मैंने हमारा एक्स का वैल्यू बिल्कुल सही है।